ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। लोल्टी के नजदीक उफनते गधेरे में एक बाइक सवार अपनी रॉयल इनफील्ड बुलेट के साथ पानी के तेज बहाव में बह गया। घटना सुबह 9 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जब लोल्टी गधेरे को पार करते समय बाइक सवार पानी की तेज धार के साथ बह गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना थराली पुलिस और उप जिला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां रेस्क्यू अभियान चलाया गया। घटना स्थल से लगभग 50 मीटर दूरी पर युवक की बाइक पत्थरों की आड़ में अटक गई, लेकिन बाइक सवार पानी के बहाव में बह गया। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक और बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर युवक की शिनाख्त शुभम चंद्र बैजनाथ के रहने वाले के रूप में हुई है। लगातार पुलिस सर्च ऑपरेशन में लगी है, लेकिन भारी बारिश और गधेरे में लगातार पानी बढ़ने से रेस्क्यू कार्य और सर्च ऑपरेशन में भी बाधा हो रही है। वहीं उप जिलाधिकारी ने रेस्क्यू के लिए SDRF और NDRF की मदद मांगी है, साथ ही SSB ग्वालदम की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि BRO द्वारा इस जगह पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र होने के बावजूद कहीं पर कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगाया गया, और बार बार शिकायतों के बावजूद भी लोल्टी गधेरे में गड्ढों को भरने की सहमत नहीं उठाई गई है, और न ही गधेरे के उफान को देखते हुए वाहनों की आवाजाही को लेकर कोई इंडिकेटर लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी। सोमवार बागेश्वर से आ रहे थे और यहाँ पे लोल्टी गधेरे में उनकी दुर्घटना हुई है, और ये बिल्कुल गरीब की बहुत लापरवाही है। उन लोगों ने कहीं पे भी ये इंडिकेट नहीं किया है कि यहाँ पे खतरनाक है और यहाँ पे दिक्कत है। तो यहाँ पे कोई भी उन्होंने बोर्ड या साइन बोर्ड कुछ भी नहीं लगा रखे हैं यहाँ पे, जिससे आए दिन यहाँ पे कई गाड़ियों को नुकसान होता है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, जब से गधेरा है तो यहाँ पे इन लोगों से बात भी हुई है परसों 3 दिन पहले कि यहाँ पे ये गड्ढे हैं, ये भरवा दीजिए। तो कोई शर्मा जी हैं गरीब के, तो इन्होंने कहा भरवा देंगे, लेकिन आज ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। तो वो बैंक कर्मी की मृत्यु, अभी तो पता नहीं चला मृत्यु हुई है क्या है, लेकिन लापता है, और तो मैं इसको गरीब की बहुत लापरवाही मानूंगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़े हैं, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।